नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम साहित्यकार वाला चैप्टर देख रहे थे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स देख रहे थे। तो हमने 51 क्वेश्चन तक किया था। अब समाचार पत्र से रिलेटेड कुछ देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। 52 में देखिए, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ। इसको प्रारंभ किया था किसने किया था? माधवराव सप्रे जी और पंडित रामराव चिंचनोकर जी ने, ठीक है। ये उनके सहयोगी थे माधवराव सप्रे जी के, ठीक। दोनों ने किया था, प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1900 में बिलासपुर से, ठीक है, पेंड्रा रोड बिलासपुर की क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 53, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्न में से कौन से उपन्यास लिखे हैं? तो हमने देखा था पहले भी, नौकर की कमीज, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, लगभग और जय हिंद, ठीक है, लगभग और जय हिंद। तो नेक्स्ट देखते हैं, काला जलवस नहीं लिखा है, बाकी सब है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने दिन मान नाम की सॉरी फिर से देखते हैं, इनमें से छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने दिन मान नाम की पत्रिका का संपादन किया? तो वह है श्रीकांत वर्मा जी। कौन है? श्रीकांत वर्मा जी। इन्होंने दिन मान नामक पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है, दिन मान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक कवि कौन कहलाते हैं? तो हमारे लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक, इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक कवि कहे जाते हैं, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे जी को आधुनिक कवि, याद रखना, आधुनिक कवि कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुआ हमर संगवारी किसकी रचना है? तो ये है लखनलाल गुप्त जी की, ठीक है। सुआ हमर संगवारी लखनलाल गुप्त जी की रचना है। नेक्स्ट देखिए, पंडित माधवराव सप्रे निम्न समाचार पत्रों के संपादक थे? तो माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ी मित्र और हिंद केसरी, ठीक, ये दोनों के संपादन कार्य किए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी मित्र और छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा रोड बिलासपुर से और हिंद केसरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में के किसने सबसे पहले कृषक जीवन पर पीएचडी की थी? तो देखो, कृषक वाला जो भी आता है ना, तो हम सबसे पहले खूबचंद बघेल का नाम याद करते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पे पीएचडी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पीएचडी वाला बात आएगा ना, तो पालेश्वर शर्मा जी को लेना, ठीक है। पी से याद रखना, पालेश्वर शर्मा ने पहले पीएचडी किया था कृषक जीवन पे, ठीक। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है? तो पंडित रामदयाल तिवारी जी को, ठीक है, रामदयाल तिवारी जी को। शायद मैंने लास्ट वीडियो में इसे वाल्मीकि बोल दिया था क्या, आई थिंक विद्यासागर बोलते बोलते वो वाल्मीकि निकल गया था, ठीक है, विद्यासागर याद रखना, ठीक। रामदयाल तिवारी जी को विद्यासागर कहा जाता है, ठीक है, वो व से है करके शायद मैंने वाल्मीकि बोल दिया, विद्यासागर याद रखना, ठीक ठीक। नेक्स्ट देखिए, पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। 61, इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। खूबचंद बघेल के नाम से किस क्षेत्र में दिया जाता है राज्य अलंकरण? कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस खेल के लिए महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रवीर चंद्र भंज देव कहाँ के हैं? बस्तर के हैं, ठीक है। और बस्तर में कैसे युद्ध होता था? बस्तर वाले लोग ज़्यादातर तीर कमान का यूज करते थे, ठीक है, तो तीरंदाजी याद रखना, ठीक, तीरंदाजी। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? तो पद्मश्री किनको प्रदान किया गया है? मुकुटधर पांडे जी को, ठीक है, इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया सबसे पहले, ठीक है, 1978 में। ठीक,
पद्मश्री से सम्मानित मुकुटधर पांडे 1976 है, ठीक है, 8 नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो याद रखना समाज सेवा व शिक्षा, ठीक, साथ आगे और भी है, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। यतियतन लाल सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अहिंसा और गोरक्षा, ठीक, यतियतन लाल वाला देखना, अहिंसा और गोरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार कौन है? पद्म भूषण से, तो पद्म भूषण मिला है तीजन बाई जी को। साथ ही वर्तमान में 2019 में इन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है, ठीक है। तो एकमात्र महिला कलाकार है जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाने वाला चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चक्रधर कौन थे? राजा चक्रधर संगीत प्रेमी थे, तबला वादक थे और कथक सिखाते थे, है ना, मतलब कथक करते थे। तो क्या आएगा? संगीत एवं कला के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में प्रदर्शन के लिए ना गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया जाता है। कौन सा? गुंडाधुर सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 69 किस पत्रकार एवं साहित्यकार को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है? तो देखिए, पत्रकार और साहित्यकार पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साहित्यकार है, पत्रकार है, वो सुरेंद्र दुबे जी हैं, ठीक। अनु शर्मा जी को भी मिल चुका है पद्मश्री, इन्हें भी मिल चुका है, परंतु पत्रकार को पूछा है, साहित्यकार को पूछा है, तो वो है सुरेंद्र दुबे जी, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी भी हैं, परंतु यहाँ पे सुरेंद्र दुबे, नहीं सॉरी, ये पत्रकार बोला है, मैं हास्यकार समझ रही थी, हास्यकार और साहित्यकार, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन भी था, हास्यकार थे और साहित्यकार थे, वो है सुरेंद्र दुबे जी, तो उन्हें भी मिला है पद्मश्री। और ये यहाँ पे पत्रकार बोले हैं, ठीक है, थीके? तो पत्रकार हैं और साहित्यकार हमारे श्यामलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है, तो उन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब पद्मश्री देखें तो तीनों को मिल चुका है, ठीक है। सुरेंद्र दुबे को 2010 में, इन्हें 2019 में आई थिंक, अनु शर्मा जी को 2014 या 13 में है, ठीक है। तो उन सभी को प्राप्त हो चुका है पद्मश्री, परंतु यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन कर देगा ना पत्रकार साहित्यकार, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य में संगीत विद्या के लिए, विधा के लिए कौन सा, नमस्कार, जय जोहार, जय चलती, हमर लोगन सब है, एक रहे, जय जोहार, जय चलती, हमर लोगन सब है, एक रहे, और पहला नंबर अपन सरकारी नौकरी छोड़ के हम अपने भविष्य भर पूरी तरह समर्पित है, सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो गूगल पे साहू ना सेट या डाउनलोड करो और आप से अपन